अच्छा, अब जो आज का टेस्ट होगा वो आपको मैंने बताया था, चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 5 है। तो एक न्यूमेरिकल होगा 7-8 नंबर का, वो किसी भी चैप्टर से होगा। चैप्टर 5 में से कुछ सवाल होगा, एक सिनेरियो बेस्ड टाइप, एक डेफिनेशन है उसमें से। और उसके बाद चैप्टर 1 और 3 में से कुछ छोटा छोटा सवाल होगा। तो जिन्होंने कसम खाई हुई है टेस्ट ना देने की, वो भी आज दे के चले जाइएगा। आपका टेस्ट रूम में आना हमारे लिए बहुत मुबारक होगा और हम इसको याद रखेंगे। ये आपका अपने ऊपर एहसान होगा, आपका अपनी नस्लों पे एहसान। अच्छा जी, हर गाय पेज नंबर 105 पे आए। इसको बुरा तो नहीं लगता ये लफ्ज़ GUI? अच्छा, सेक्शन 102, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम बीच में हमने स्किप की है, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फ्रेश माइंड के साथ शुरू करेंगे। अभी फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर एक साहब पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रहें तो इनको कहा जाएगा रेजिडेंट इंडिविजुअल। ब्लू शर्ट, आप कोने पे हो जाएं और इस रूम में 4-5 लोग आ जाएं। अच्छा, तो जो साहब पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुके, चल जल्दी करा बंदर, वो व्हाइट शर्ट, जल्दी 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 जल्दी। तो जो साहब पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुके उनको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। वली भाई चलें। नहीं, और उधर ना नजर नजर आने में मसला होगा ना यार इसको। तो जो जो साहब पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुके उनको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताएं कि फॉरेन सोर्स इनकम्स का न्यूमेरिकल हमने क्लास में कब किया था? टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में किया था फॉरेन सोर्स इनकम्स का न्यूमेरिकल। अगर आपको याद हो कि ना याद हो, जो मुझे याद है ज़रा ज़रा, वो पेज नंबर अगर आप आए 76 पर, बेशक आए ना यहीं से याद आ जाएगा। आतिफ ने, आपको याद है इथोपिया में इनकम कमाई थी और चाइना में इनकम कमाई थी। अब ये जो इथोपिया और चाइना के अंदर इसने इनकम कमाई थी तो इसको हमने क्या सलूक किया था? ज़रा देखते रहिएगा मेरे साथ, इसका सलूक क्या किया था। वली भाई जल्दी फ्रेश अप हो जाए, ताज़ा हो जाए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट अभी होने लगे। अच्छा ठीक है, यू आर अटेंटिव। इथोपिया और चाइना में इसने इनकम कमाई थी, हमने इसके साथ सलूक क्या किया था? हमने सोल्यूशन में जाके इथोपिया और चाइना वाली इनकम को ऐड कर दिया था, इनकम में डाला था, इनकम में डाला था। इनकम आ गई थी 17 लाख, फिर हमने टैक्स निकाला था चैप्टर 4 में जाके, और फिर फॉरेन इनकम्स पे टैक्स क्रेडिट दिया था। फॉरेन इनकम्स पे क्या दिया था? टैक्स क्रेडिट दिया था। ये हमने सलूक किया था फॉरेन इनकम्स के साथ, जिन्होंने कल छुट्टी की भाई, ये हमने सलूक किया था फॉरेन इनकम्स के साथ कि फॉरेन इनकम्स को इनकम्स में ऐड किया था और एंड पे क्या माफ किया था? टैक्स माफ किया था। तो असूल ये है कि बाहर के मुल्क में आप कोई भी इनकम कमा लें तो उसको इनकम में ऐड करेंगे और एंड पे उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस कर देंगे। लेकिन आज हम एक बहुत बड़ी बम्पर ऑफर और धमाका ऑफर पढ़ने लगे हैं। वो ऑफर बड़ी महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। वो है फॉरेन सैलरी के बारे में। फॉरेन सैलरी यानी अक्सर आपने लोगों से सुना होगा बाहर के मुल्क में जाके नौकरी कर रहे हैं। तो जो बंदा बाहर के मुल्क में जाके नौकरी कर रहा है, बिजनेस नहीं करा, कैपिटल गेन नहीं कमा रहा, अदर सोर्स नहीं कमा रहा, प्रॉपर्टी नहीं कमा रहा, जो बंदा बाहर के मुल्क में जाके नौकरी कर रहा है, अगर वो एक शर्त पूरी कर दे तो हम उसकी बाहर के मुल्क की सैलरी टोटली माफ कर देंगे। वो शर्त ये है कि वो बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दे। बस अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दे हम उसकी टोटल सैलरी इनकम जो बाहर की है वो माफ कर देंगे। अभी मैंने देखा था कि फॉरेन इनकम को ऐड कर रहे थे और उस पर टैक्स माफ कर रहे थे, अब सिरे से इनकम ही माफ कर देंगे। यानी व्हाट डज इट मीन कि अगर सवाल में फॉरेन सैलरी दी जाएगी तो सॉल्यूशन में यहां पे ऐड ही नहीं करेंगे। बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट सिर्फ किस इनकम के लिए महदूद है? इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए। होंठ हिला दिया करें आए हैं तो डेप्रिशिएट नहीं कर देंगे। अच्छा जी पढ़े आप क्वेश्चन। अमजद नहीं होता था? अमजद इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज एम्प्लॉयड इन एक्सवाइज कंपनी। अमजद एक्सवाइज कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है। ही वर्क इन एक्सवाइज कंपनी फ्रॉम जकम जुलाई 2010 टू 31 जनवरी 2011। जी पाकिस्तान में इसने कितने महीने नौकरी की? 7 महीने। पाकिस्तान में इसने 7 महीने नौकरी की। ही गॉट अ जॉब इन नेपाल, उसे नेपाल में जॉब मिल गई। वेयर ही ज्वाइन ऑन जकम फरवरी 2011, जहां वो जकम फरवरी 2011 को चला गया। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज 60,000 पर मंथ। पाकिस्तान में उसकी तनख्वाह 60,000 पर मंथ। मैं येलो से कर देता हूँ, पाकिस्तान का डाटा सारा येलो में चल रहा है। पाकिस्तान की तनख्वाह उसकी जो है वो 60,000 पर मंथ। हिज मंथली सैलरी इन नेपाल इज 90,000 इन पाक रुपीज़। नेपाल की सैलरी अगर पाक रुपीज़ में कन्वर्ट कर दी जाए तो 90,000 है।
ऑन मई 31, 2011 ही डिसाइडेड टू रिजाइन। मई 31, 2011 को उसने सोचा कि मैं नौकरी से छोड़ दूं और नेपाल से वापस आ गया एंड केम बैक टू पाकिस्तान ऑन द सेम डे। और पाकिस्तान उसी दिन वापस आ गया, यानी नेपाल में उसने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने नौकरी की। सिंस देन, उस वक्त से ये दरियाए रावी के किनारे बैठ के मछलियां निकाल रहा है। सिंस देन ही हैज येट नॉट गॉट एनी जॉब, किसी ने इसको नौकरी पर नहीं रखा। ही हैज ड्यूली प्रॉपरली पेड द टैक्स ऑन टू नेपालियन गवर्नमेंट ऑन हिज इनकम अर्न्ड देयर। हाँ, नेपाल में जो उसने इनकम कमाई थी उस पर टैक्स देके आया था। तो बता दें, ये नेपाल वाले इनकम पे इसने टैक्स दिया या नहीं दिया? तो मैं जिससे रेड को हाईलाइट करने लगा हूँ, ये रेड को अंडरलाइन करने लगा हूँ, ये असल मेन चीज है। अगर ये नेपाल वाली इनकम पर टैक्स जमा करवा दे तो इसे क्या बेनिफिट मिलेगा? फॉरन इनकम इसकी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि हमारा साल कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2010 को। ख़त्म कब होगा? 30 जून 2011 को। और 31 जनवरी 2011, यानी 7 महीने इसने कहाँ नौकरी की? पाकिस्तान में। उसके बाद 31 मई 2011 इसने 4 महीने कहाँ नौकरी की? फरवरी, मार्च, अप्रैल में नेपाल में। मुझे बता दें, अगर 7 महीने कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है तो फिर रेजिडेंट बनेगा नॉन रेजिडेंट? 7 महीने में तो 183 डेज से कहीं ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये बंदा क्या है, इसका स्टेटस क्या है? मैरिटल स्टेटस नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा हूँ। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? ये बंदा क्या है? रेजिडेंट है। पाकिस्तान में इसकी तनख्वाह कितनी है? 6 लाख जरब 7, 7 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर। ओके, एक अंडा गायब करना था, हो गया। अच्छा, बाहर के मुल्क में तनख्वाह इसकी कितनी है? 70,000, 90,000। ओके, बाहर के मुल्क में तनख्वाह कितनी है? 90,000। कितने महीने काम किया? 4 महीने काम किया। तो अब मुझे बता दें, मैं क्या बेनिफिट देने लगा हूँ? मैं बेनिफिट ये देने लगा हूँ कि इसकी फॉरेन इनकम क्या करने लगा हूँ? माफ करने लगा हूँ। जो रेजिडेंट फॉरेन सैलरी कमाए उसकी फॉरेन सैलरी माफ होगी अगर वो फॉरेन कंट्री में फॉरेन टैक्स पे करे। अब जब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो सैलरी इनकम पाकिस्तान वाली कितनी है? 60,000। कितने महीने? क्या जवाब आया? और बाहर वाली इनकम को क्या कर देंगे? एग्जाम कर देंगे, जीरो। टोटल क्या आ जाएगा? फॉरेन सैलरी इनकम इज एग्जाम बिकॉज ही हैज प्रॉपरली पेड द टैक्स ऑन इट, क्योंकि इसमें इस पर टैक्स पे कर दिया। इस डायग्राम की तो कोई जरूरत नहीं, बस ये तो इसे समझाने के लिए बनाई थी। अच्छा जी, लॉ की प्रोविजन, कोई भी फॉरेन सैलरी, ये बेनिफिट सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? सैलरी के लिए। कोई भी फॉरेन सैलरी जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल ने कमाई है, ये माफ हो जाएगी इफ द इंडिविजुअल हैज पेड द फॉरेन इनकम टैक्स। जो कंडीशन है उसे मैं रेड बॉल पॉइंट से हाईलाइट कर रहा हूं, ये कंडीशन है। और जो बेनिफिट है उसे मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूं, शैल बी एग्जेम्प्ट। ये बेनिफिट है और कंडीशन ये है कि आपने बाहर के मुल्क में क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। ओके, क्या ये जरूरी है कि बाहर के मुल्क में जाके आप अपने कदमों पे चल के टैक्स पे करें? क्या ये जरूरी है कि बाहर के मुल्क में जाके आप अपने कदमों पे टैक्स पे करें? या ऐसा भी हो सकता है आपका एम्प्लॉयर हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करवा दे? पॉइंट टू, ऐसी बस एक फॉर्मेलिटी सी है। इट विल बी अज्यूम दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज पेड द फॉरेन टैक्स। ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने बाहर के मुल्क में टैक्स जमा करा दिया है इफ द टैक्स इज कट फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी सैलरी से टैक्स कट गया है, और वो काटेगा आपका एम्प्लॉयर। कितने काटे टैक्स? एम्प्लॉयर ने। और पे कहां किया है? टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ फॉरन कंट्री। रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ फॉरन कंट्री का मतलब है बाहर का FBR। तो जो बाहर के मुल्क का FBR है उसमें जाके आपने टैक्स जमा करवाना है। ओके, किसने? एम्प्लॉयर ने। किसकी इनकम पे? आपकी इनकम पे। आपकी इनकम पे टैक्स काटेगा और काट के बाहर के मुल्क वाली फॉरन अथॉरिटी को जमा करवाएगा। क्लियर? ओके, अच्छा जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि यू डू नॉट पे फॉरन टैक्स, फॉरेन टैक्स पे नहीं करते। तो इस बात का क्या मतलब है? अगर आपने फॉरेन टैक्स पे नहीं किया, फिर आपको बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स ही पे नहीं किया। अब अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स ही पे नहीं किया तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिलना चाहिए। यह बात मुसल्लम है और बड़ी पक्की ठक्की बात है। लेकिन लॉ में एक और बेनिफिट अवेलेबल है। अगर आपने फॉरेन टैक्स पे नहीं किया तो खैर है, कोई मसला नहीं, आप दो शर्तें पूरी कर दें। नंबर वन, आपकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की होनी चाहिए। और नंबर टू, साल के आखिरी दिन आप एब्रॉड हो, पाकिस्तान में ना हो। अगर ये दो शर्तें आप पूरी कर दें तो चाहे आप बाहर के मुल्क में टैक्स पे करें ना करें, आपकी बाहर के मुल्क की सैलरी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। इसके लिए बाहर के मुल्क में टैक्स पे करना जरूरी नहीं है।
चलें जी, अगला सेक्शन 51 का 2, जिसमें ये बात होने लगी है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं। और सलाना एक सिटीजन है पाकिस्तान का, सिटीजन वाली शर्त पूरी होगी। सिटीजन का मतलब है इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। और सलाना एक सिटीजन है पाकिस्तान का, और कहां नौकरी कर रहा है? एक्स वाई जेड कंपनी में। ही वर्क इन एक्स वाई जेड कंपनी फ्रॉम जकम जुलाई 2010 टू 31 जनवरी 2011। कितने महीने नौकरी की? 7 महीने। क्या बन गया? रेजिडेंट। ही गॉट अ जॉब इन सऊदी अरेबिया वेयर ही ज्वाइंट ऑन मार्च 1, 2011, जहां उसने मार्च 1, 2011 को ज्वाइन किया। इसका मतलब है एक महीना बीच में फ्री रहा। ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन फरवरी 2011। फरवरी 2011 को वहां चला गया था, 8-10 दिन वहां फ्लैट वगैरह ढूंढता रहा, उसमें टाइम लगा। जब मार्च से उसने नौकरी शुरू कर दी। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज 50,000 पर मंथ एंड हिज मंथली सैलरी इन सऊदी अरेबिया इज 80,000 इन पाक रुपीज। एज ऑन 30 जून ही वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया। 30 जून को वो स्टिल सऊदी अरेबिया में है। लेकिन सैड पार्ट स्टोरी का यह है, अफसोसनाक पार्ट स्टोरी का यह है, ही डिड नॉट पेड एनी टैक्स ऑन हिज सैलरी इन सऊदी अरेबिया। उसने सऊदी अरेबिया में अपनी सैलरी पर टैक्स पे नहीं किया। अगर आप टैक्स पे ना भी करें तो खैर है, अगर आप दो शरायत पूरी कर दें जो मैंने येलो से आपके सामने जो है वो हाईलाइट कर दी है। एक शर्त आपने ये पूरी करनी है कि आप सिटीजन हो, और दूसरी शर्त आपने ये पूरी करनी है कि आप साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हों। तो ये दो शर्तें आपने साथ वाले से हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर ली, ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर टैक्स फॉरेन कंट्री में पे नहीं भी किया तो खैर है, नहीं दे रहा हाईलाइटर तो डब्बा बना लें आप, ऐसे करके डब्बा बना लें। पाकिस्तान का सिटीजन, पाकिस्तान का आईडी कार्ड हो आपके पास, ओके। तो जो बंदा ये दो शर्तें पूरी कर देगा उसे एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट उसे ये मिलेगा कि उसकी फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करे या ना करे। अब आप मुझे बता दें, व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, हाउ इट सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंटेड। पाकिस्तान में बता दें कितनी सैलरी है इसकी, कितने महीने काम किया, कितने? 3.5 लाख। बाहर की सैलरी, क्योंकि सिटीजन भी है और ईयर एंड के ऊपर एब्रॉड भी है, इसलिए इसकी फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी और टोटल क्या आ जाएगा? 3.5 लाख। बिकॉज अरसलान रिमेन्ड आउटसाइड पाकिस्तान एट एंड ऑफ ईयर, देयरफॉर हिज फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम इज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स और नॉट। ये बात इग्नोर कर दी जाएगी कि उसने फॉरेन टैक्स पे किया या नहीं किया। क्लियर? अच्छा जी, अब माइंड में मैप किस तरह चलेगा कि पेपर में अगर कभी कौन सी सैलरी आ गई, फॉरेन सैलरी, तो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे? आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि फॉरेन टैक्स पे किया है या नहीं किया। इसमें कितनी ऑप्शंस होंगी? दो। या तो आपने फॉरेन टैक्स पे कर दिया है, फिर तो फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या क्या होगा? आपने फॉरेन टैक्स पे नहीं किया होगा, नो। फिर आप एक और सवाल पूछेंगे अपने से, क्या क्या आप सिटीजन हैं एंड रियर एंड पे आप एब्रॉड हैं? दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। इसमें आगे फिर मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। यस, आप सिटीजन हैं और रियर एंड पे एब्रॉड है, तो आपको फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिटीजन नहीं है या मुल्क से बाहर नहीं है आखिरी दिन, तो आपको फॉरेन सैलरी पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों बातों की समरी है, कल तक नोट कर लेंगे। तो नहीं, आप वेट कर रहे होते हैं कि आपको कहा जाए नोट करें, तो फिर नोट करेंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा, फॉरेन सैलरी पे टैक्स पे कर दिया, कर दिया तो फिर तो मजे ही मजे, नहीं पे किया तो अभी आ जाओ। भाई अब थोड़ा सा ना उधर होना, आप थोड़ा हिम्मत करो, इधर आओ, इधर आओ। इन रोज में बैठ जाया करें, उधर ना बैठा करें, अब इधर इधर हो, उधर से नजर नहीं आता, इधर इधर हो। कर लिया नोट? ओके, नेक्स्ट।
किसी के पास है रिमोट मोबाइल में? आप कल इंस्टॉल करके ले आओ, आप भी ले आओ, आप भी ले आओ, ठीक है भाई? उस कमरे से कोई आए इसके विंग्स ऊपर कर दे। ओके पहला सवाल क्या है कि जी फॉरन सैलरी पे हमने टैक्स पे, तो फिर सेक्शन 102 आगे बढ़ता है और कहता है आपकी फॉरन सैलरी क्या होगी, माफ होगी, वेट वेट वेट। दूसरा सवाल क्या है कि आपने फॉरन टैक्स पे किया? नहीं जी, नहीं फॉरन टैक्स पे किया, फिर भी आपको हम बेनिफिट देंगे अगर दो शर्तें पूरी कर दें। आप सिटीजन है और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर है, तो सेक्शन 51 का 2 आगे बढ़ेगा और आके गले लगाएगा इसको, कहेगा जिगर बड़ी तुझे मैं टैक्स माफ करता हूँ। और अगर ना फॉरन टैक्स पे किया है, ना आप सिटीजन है, ना आप एब्रॉड वाला चक्कर है, तो फिर ऐसी सूरत में बोले 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 फॉरन इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? पेज नंबर 106 का टॉप। इधर इधर इसको इधर आ जाओ ना, पिछली रो में। रीलोकेशन अलाउंस, रीलोकेशन अलाउंस कौन सा होगा बता दें जल्दी, रीलोकेशन अलाउंस क्या हो सकता है? हाँ, एक शहर से दूसरे शहर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाईजान आप यहां से निकल जाएं, आज के बाद आप शेखुपुरा वाली ब्रांच में काम करेंगे। तो एम्प्लॉय कहेगा भाईजान लाहौर से शेखुपुरा सामान उठा के लेके जाओ, मेरे दिमाग की दही बन जाएगी, इतना खर्चा हो जाएगा, मैं क्या करूं? एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हें रीलोकेट करने का अलाउंस देता हूं। तो भाईजान ये माफ है, तो ये वही ऐसा अलाउंस है जो हमने पढ़ा है, माफ है। तो रीलोकेशन अलाउंस अगर कभी पेपर में दे रहे इसे आपने एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर देना। अच्छा जी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी क्या होती है? पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर से उठाता है, पिक एंड ड्रॉप घर में दोबारा गिराता है, तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। ये पूरी गाड़ी भी भेज सकता है, और अगर एम्प्लॉय को जरा ज्यादा प्रोटोकॉल देना है तो बस भेज देगा, लेकिन बस में काफी सारे एम्प्लॉयज बैठ जाते हैं। तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अक्सर एम्प्लॉयर गाड़ी भेज के देते हैं अगर एम्प्लॉय को प्रोटोकॉल देना हो, और अगर एम्प्लॉय को प्रोटोकॉल ना देना हो तो उसे कहा जाता है भाईजान बस आ जाएगी, बस स्टॉप पे वहां के बैठ जाइएगा बस में। तो ये पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अक्सर आपने देखा होगा, बसें भरी जा रही होती है एम्प्लॉयज से, कभी किसी ने देखा एम्प्लॉयज से बस भरी हुई जा रही है? स्टूडेंट से भरी हुई बसें तो देखने आप आदि हो गए, लेकिन एम्प्लॉयज से भरी हुई बस भी कभी देखें जिंदगी में ठोकर पे खड़े होकर? तो उठाना एंड गिराना फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अगर घर से दफ्तर तक, दफ्तर से घर तक दे दे तो ये भी एग्जेम्प्ट होती है। ओके अच्छा जी, आज हम रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ मिलने वाले बेनिफिट्स को पढ़ने लगे हैं। पॉइंट 8, पेंशन कब मिलती है? रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। पेंशन हर महीने मिलती है या साल में एक दफा मिलती है? हर महीने मिलती है। कोई भी पेंशन अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिसीव कर रहा है फ्रॉम अ किसान एम्प्लॉयर, नहीं नहीं किसान एम्प्लॉयर नहीं, पिछला एम्प्लॉयर, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो पेंशन जो मिल रही है लोगों को घर बैठ के वो माफ है, उस पर आपने टैक्स जमा नहीं करना। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यू करें उसी एम्प्लॉयर के लिए काम, या उस एम्प्लॉयर के जानने वाले के लिए काम करें आप, तो आपकी पेंशन टैक्सेबल है। इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का यह मतलब होगा कि आप PTCL के अंदर नौकरी कर रहे थे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, आपने नौकरी छोड़ी, महीने बाद वहीं पे एज अ सेल्स मैनेजर नौकरी शुरू कर दी, तो आप प्रोडक्शन मैनेजर होने की वजह से जो आपको पेंशन मिल रही थी वो वाली अब आपकी पेंशन टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसी कंपनी में दोबारा जॉब शुरू कर दी है। लेकिन अगर PTCL के जानने वाली कंपनी है यूफोन, इसलिए PTCL के एसोसिएट है यूफोन के, PTCL ने 50% या उससे ऊपर शेयर खरीदे हैं, तो अगर आपने PTCL से नौकरी छोड़ के यूफोन में नौकरी शुरू कर दी तो भी PTCL से मिलने वाली पेंशन माफ नहीं है, वो टैक्सेबल है, क्योंकि आपने एम्प्लॉयर के पास तो जॉब शुरू नहीं की लेकिन एम्प्लॉयर के जानने वाले के पास जॉब शुरू कर दी। लेकिन अगर आप PTCL से नौकरी छोड़ के आप कोका कोला में जाके नौकरी शुरू कर दें तो PTCL ने कोका कोला के शेयर नहीं खरीदे हुए, PTCL और कोका कोला जानने वाले नहीं है, तो फिर आपको जो PTCL से पेंशन मिल रही होगी वो क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। तो बता दें किस सूरत में पेंशन माफ नहीं है? If person continues to work for the employer या जानने वाला of, then it will be chargeable, फिर ये taxable होगी। अच्छा जी, एक साहब हैं,
उन्होंने 10 साल गोरमे में नौकरी की, 10 साल केक्स एंड बेक्स में नौकरी की, और इस वक्त जो है वो जलाल सन्स में नौकरी कर रहे हैं। अब उसको दो पेंशनें मिल रही हैं, एक गोरमे वाली पेंशन मिल रही है और एक केक्स एंड बेक्स वाली पेंशन, जलाल सन वाली पेंशन। का जलाल में नौकरी कर रहे हैं, चले ही नहीं गए, हाँ दो वापस आए हैं। गोरमे में 10 साल नौकरी की, 1990 से 2000 तक, 2000 से 2010 तक इसने नौकरी की केक्स एंड बेक्स में, और आजकल 2014-15 चल रहा है, 2014-15 में वो नौकरी कर रहे हैं जलाल सन में। इसको इन इस वक्त दो पेंशनें मिल रही हैं, एक पेंशन कहां से मिल रही है? गोरमे से। दूसरी तरतीब से चला करें ना, एक पेंशन कहां से मिल रही है? गोरमे से। दूसरी, एक वक्त में दो पेंशनें मिल रही हैं, तो दोनों में से हायर माफ होगी, यानी एक जगह से 60,000 मिल रही है, एक जगह से 50,000 मिल रही है, तो कौन सी वाली माफ हो जाएगी? इफ अ पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन देन ओनली हायर पेंशन विल बी एग्जाम। अब इसमें बच्चों वाला सवाल ना पूछिएगा, दोनों जगह से सेम पेंशन मिल रही है तो दोनों में से फिर एक माफ कर देना। कंसेप्ट की दही बनाना कोई आपसे सीखे। अच्छा, इसके बाद अगर एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, अगर एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो इन बुजुर्गों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जितनी मर्जी पेंशनें लें, दो दो पेंशन ले रहे हो, तीन तीन पेंशन ले रहे हो, चाहे उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा नौकरी शुरू कर दें, चाहे उस एम्प्लॉयर के जानने वाले के पास नौकरी शुरू कर दें, इनके लिए कोई शर्त नहीं है, इनको सारी पेंशनें माफ हैं। इफ अ पर्सन एज इज मोर देन ऑल पेंशन शेल बी एग्जाम्प्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऊपर वाली शरायत। ऊपर वाली शरायत को छोड़ो, पर ऊपर वाली शरायत को इग्नोर कर दो, इसको सारी पेंशनें क्या होंगी? माफ होंगी। अच्छा जी, पेंशन रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑफ बाजू की ताकत, यानी आर्मी का कोई बंदा है, उसको पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन भी क्या है? माफ है। इसमें तो एज की लिमिट भी कोई नहीं, चाहे 45 साल की उम्र में रिटायर हो गया, चाहे 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया, बस सारी पेंशनें माफ है जो भी आर्मी से मिल रही है, या कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इसको भी सारी पेंशन क्या है? माफ है। क्लियर हो गया? तो पहला रूल क्या हो गया, पेंशन क्या है? बोले बोले बोले, पेंशन क्या है? एग्जैम्प्ट। दूसरा रूल क्या हो गया? अगर बोली दिल की बात की आपने, अच्छा दूसरा रूल क्या है बोले? अगर वो दो पेंशन वाली बात मैंने नहीं की, अगर वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास चला जाए तो फिर तो पेंशन माफ होगी, अगर उस एम्प्लॉयर या उसके जानने वाले के पास रहे तो फिर माफ नहीं होगी। अगली बात बिल्कुल अलग बात है जिसका पिछली बात से कोई ताल्लुक नहीं, एक वक्त में दो जगह से पेंशन ले रहा हो तो कौन सी पेंशन माफ होगी? हायर वाली। और अगली बात बिल्कुल ही अलग, अगर बाबा जी 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो इनके लिए कोई शर्त नहीं, इनकी सारी पेंशन क्या है? माफ है। और उससे अगली बात, आर्मी के बंदे को और फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे के लिए कोई शर्त नहीं, इनके लिए भी सारी पेंशन माफ है। ओके तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको चार किस्म के पैसे मिलते हैं, एक पेंशन मिलती है, एक क्या मिलती है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिलती है, दूसरी क्या मिलती है? तीसरी ग्रेचुटी मिलती है, और चौथी प्रोविडेंट फंड। तो रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को कितने किस्म के पैसे मिलते हैं? चार किस्म के पैसे मिलते हैं। इसमें सबसे पहले पैसे कौन से हैं? पेंशन। पेंशन किस वक्त मिलती है? रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। यार उस उधर से किसी को बुलवाओ, मुझे लगता है एसी से हवा नहीं आ रही, ठंडी। भाई उस कमरे में कोई बैठा हुआ है? अहमद बैठा हुआ है, उठ गया, एसी वाले को बुलाओ। अच्छा तो मुझे ये बता दें कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलनी है, रिटायरमेंट से पहले मिलनी है? बार बार मिलनी है साल में, या सिर्फ साल में एक दफा मिलनी है? बार बार मिलनी है। कितने महीने मिलनी है? 12 महीने। अब मिसाल के तौर पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे, तुम रिटायर हो रहे हो 60 साल की उम्र में, हम तुम्हें पेंशन देने लगे हैं 30,000 रुपया, हम तुम्हें पेंशन देने लगे हैं 30,000 रुपया। पॉज कर दो जरा। अच्छा जी, पेंशन जो है वो आपको हर महीने मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, और घर बैठे मिलेगी, इस पेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये माफ है। अगली चीज क्या है बोले? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये है कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कहा कि मोहतरम मेरी पेंशन है महीने की 30,000, और फर्ज करो कि आज 60 साल हैं और मेरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 15 साल, यानी 15 साल बाद मौत का फरिश्ता आएगा और आके मुझे ले जाएगा, तो 15 साल तक हर महीने तुमने मुझे 30,000 देना है, तो ऐसा करो उसमें से आधे पैसे 15 सालों के अभी दे दो, आधे पैसे 15 सालों के, यानी 15,000, 30,000 महीने का है, 15,000
12 महीने का जरा 15 साल का, वो सारा का पैसा मुझे अभी दे दो। 15,000 कितने अरसे का? एक महीने का। 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें कितने महीने का? एक साल का। उसको मल्टीप्लाई कर दें 15 सालों से तो कितने सालों का? 15 सालों का। तो 15 सालों के पैसे आधे पेंशन के मुझे अभी दे दो। तो जिस तरह आप गाय को जाके ये गाफले वाली, जिस तरह आप गाय को जाके ये कहें कि गाय मैं तुम्हें काजू खिलाता हूं, बादाम खिलाता हूं, ये खिलाता हूं, तुम रोजाना जो है वो 20 किलो दूध देती हो, तो ऐसा करो 10 सालों का 10 किलो दूध जो है अभी मुझे जरा आज एडवांस में दे दो। तो ये इस किस्म की कोई बोंगी मारी है एम्प्लॉई ने, और एम्प्लॉयर उसकी बातों में आ गया है, और एम्प्लॉयर ने उसको पैसे कम्यूट करके दे दिए हैं, यानी इकट्ठे करके दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, आपने पेंशन पे हाथ मारा है, लेकिन इतने बुरे तरीके से हाथ नहीं मारा कि पेंशन मिलनी आपको बंद हो जाए, आपको आधी पेंशन मिल जाएगी, बाकी इंशाल्लाह गाय जितना दूध देती थी उसके आधा इंशाल्लाह दूध फिर भी वो देती रहेगी, वो बाकी 10-20 सालों का एडवांस में आपको सिर्फ दे रही है। ओके, तो अब मुझे बता दें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लंप सम मिलती है या थोड़ी थोड़ी करके मिलती है? लंप सम इकट्ठी मिलती है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इकट्ठी मिलती है और पेंशन थोड़ी थोड़ी करके मिलती है। बहरहाल कम्यूटेशन ऑफ पेंशन किस तरह निकलती है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसी गलती से आपको मैंने ये बता दी सारी कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक लफ्ज़ आपने याद रखना है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये कैसे निकलती है, क्यों मिलती है एम्प्लॉय को, कैसे मिलती है, ये हमारे स्कोप की चीज़ नहीं है। आगे चलें जी, आपने अगर आधी पेंशन एडवांस में पकड़ी है तो आधी तो आपको मिलती रहेगी ना, बाकी आधी मिलती रहेगी क्योंकि आपने आधी एडवांस में पकड़ी है हर महीने। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ग्रेच्युटी क्या चीज है? ग्रेच्युटी अगर वो बंदा 10 साल से पहले मर जाए तो ये पेंशन के रूल्स होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसके साथ पैसे देने हैं पेंशन के या नहीं देने, हमें तो बस पेंशन के पैसे गिवन होंगे, हमने उसकी टैक्स ट्रीटमेंट समझनी है, हमें ये इससे बला नहीं कि वो 15 साल के बाद मरा या 15वें साल मरा या 15 साल से पहले मरा, मरने वाले ने तो मरना है। आगे चलें, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी के बारे में ये रूल है कि ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर लॉयल एम्प्लॉय को देता है, ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर लॉयल एम्प्लॉय को देता है। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो एम्प्लॉय कहते हैं कि भाईजान मैंने आपके पास 12 साल नौकरी की और इधर उधर मैंने नजर उठा के नहीं देखी, यानी किसी जगह भी मैंने सीवी जमा नहीं कराया, तो मैंने आपके पास 12 साल नौकरी की तो 12 तनख्वाहें मुझे जाते हुए तोहफे में दे दें, तो एम्प्लॉयर उसे 12 तनख्वाहें तोहफे में दे देता है। अगला एम्प्लॉय आता है जी मैं भी जा रहा हूं, मुझे 22 साल हो गया नौकरी करते हुए, मुझे 22 तनख्वाहें जाते हुए तोहफे में दे दें, 22 साल की तनख्वाहें नहीं सिर्फ 22 तनख्वाहें मुझे तोहफे में दे दें, तो इसको ग्रेच्युटी कहते हैं। ये पेंशन के अलावा एक और तोहफा होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, और प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट हमने आने वाले दिनों में पढ़ना है, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बास्केट में कुछ पैसे डालते हैं जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे ले जाता है। तो आज हमारी डिस्कशन सिर्फ दो चीजों पर है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी पे, पेंशन पे हमने डिस्कशन कर लिया। सो लेट अस स्टार्ट ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी कैसे निकलती है, किसको मिलती है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैसे मिलती है, किसको मिलती है, ये सारी चीजें जो है वो मेरी नजर में बिल्कुल इरेलेवेंट और आउट ऑफ सिलेबस हैं, इसलिए इन चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूं। किताब में अगर गलती से किसी जगह मैंने लिख भी दी है कि ये चीजें कैसे मिलेंगी किसको मिलेंगी तो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है बात, इनकी टैक्स ट्रीटमेंट हमारे लिए रेलेवेंट है, तो इस अजीब से डब्बे को हमने काट दिया। अच्छा जी, ग्रेच्युटी के बारे में क्या रूल है ये सुन लें, ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, आपने चेहरा शरीफ ऊपर रखना है। ग्रेच्युटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो सारी माफ है, फुली एग्जाम। ग्रेच्युटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुली एग्जाम, सारी की सारी माफ हो जाएगी। अगर ग्रेच्युटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मुराद है कोई बंदा पेप्सी में नौकरी कर रहा है, कोई बंदा नेस्ले में नौकरी कर रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको जो ग्रेच्युटी मिलेगी रिटायरमेंट के वक्त वो माफ है। लेकिन अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी सूरत में तीन ऑप्शन है। फर्ज करें एक बंदा पेप्सी में नौकरी कर रहा है, अब पेप्सी में नौकरी कर रहा है तो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब पेप्सी वालों ने ग्रेच्युटी के अरेंजमेंट को कमिश्नर इनकम टैक्स से अप्रूव कराया हुआ है, पेप्सी वालों ने ग्रेच्युटी के अरेंजमेंट को कमिश्नर से क्या कराया हुआ है, अप्रूव कराया हुआ है, तो आपको सारी ग्रेच्युटी माफ हो जाएगी। अच्छा, एक बंदा कहते हैं मैं नेस्ले में नौकरी कर रहा हूं, नेस्ले वालों ने ग्रेच्युटी के अरेंजमेंट को एफबीआर से अप्रूव कराया हुआ है, कमिश्नर से नहीं एफबीआर से अप्रूव कराया हुआ है, तो सारी ग्रेच्युटी माफ नहीं होगी। ग्रेच्युटी सिर्फ कितनी माफ होगी, 3 लाख तक, यानी अगर ग्रेच्युटी 3,20,000 मिली है, 3,20,000, तो 3 लाख माफ हो जाएगी, 20,000 पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अभी क्लास के बाद आपने मेरे से ये नहीं पूछना कि कमिश्नर छोटा बंदा है उधर ज्यादा माफ हो रही है, एफबीआर बड़ा बंदा है उधर कम माफ हो रही है, इन चक्रों में ना पड़िएगा। अच्छा, तीसरी ऑप्शन कि एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो है वो नौकरी कर रहा है सुपर बिस्किट के अंदर, अब उन्होंने ना कमिश्नर से अप्रूवल ली ना एफबीआर से अप्रूवल ली, बल्कि इस ग्रेच्युटी को क्या रखा,
अनअप्रूव्ड रखा, तो इसको माफ हो जाएगी लोअर ऑफ 50% ऑफ ग्रेच्युटी और 75,000, इसका भी न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो बहरहाल ये चार सिनेरियोस बनते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो कितनी ग्रेच्युटी माफ, सारी माफ। अच्छा ये जो कमिश्नर के लिए फंड का लफ्ज पेपर में यूज होगा अलग करने के लिए, और एफबीआर से अप्रूवल के लिए किसका लफ्ज यूज होगा, स्कीम, तो फंड और स्कीम में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कमिश्नर के साथ फंड का लफ्ज आ गया और एफबीआर के साथ स्कीम का लफ्ज आ गया। तो जो इदारा, जो पेप्सी या जो नेस्ले वाले अगर एफबीआर से जाके अप्रूवल कराएंगे तो इस अप्रूवल का नाम होगा स्कीम अप्रूव हुई है और आपको कितनी ग्रेच्युटी माफ हो जाएगी, 3,00,000 तक। कल तक नोट कर लें। मैं आपको 24 घंटे दे रहा हूं, बल्कि संडे 48 घंटे दे रहा हूं, नोट कर लें। ये ऊपर वाला ग्रेचुटी लफ्स अगर आपने लिख लिया तो मैं डायग्राम थोड़ी ऊपर कर रहा हूं। भाई एसी की तरफ देख रहे हो, हवा नहीं आ रही, कूलिंग नहीं हो रही, हाथ खड़ा करो, नहीं हो रही कूलिंग, लास्ट वाले भाइयों को बताओ। अगर आपके साथ सारा टेस्ट नहीं देता तो आइंदा आप इसके साथ मत बैठें, आपकी शान ही हो रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ज्यादा ऊपर कर रहा हूं मैं। ओके ये एक एक मिनट करके ना आप लोगों ने सिलेबस को पता नहीं कहां ले जाना है। फिर आप अगस्त में कह रहे होते हैं टीचर को छोड़ दो, टीचर कह रहा होता नहीं नहीं यार नहीं छोड़ने सर मुझे। ओके बड़ी ईद की कितनी छुट्टियां पसंद करेंगे, एक? अगर पहले दिन जानवर आप जिबा कर लेते हैं घर में तो फिर एक छुट्टी काफी है। ओके सच बोलें। अच्छा जी फिर 6 महीने के एंड पे आपसे पूछा जाएगा क्या किया आपने ये जानवर की देखभाल की। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगला रूल है जी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिल रही है तो वो सारी क्या है, माफ। लेकिन अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आपने अप्रूव करा ली है स्कीम एफबीआर से, अच्छा यहां पे कमिश्नर से अप्रूवल का चक्कर नहीं है, और मजे की बात यहां एफबीआर से अप्रूव करा के सारी माफ हो रही है, वो वाली जो थी वो एफबीआर से अप्रूव करा के 3,00,000 तक माफ हो रही थी, यहां एफबीआर से अप्रूव करा के सारी माफ हो रही है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वही रूल है एग्जाम पे अप टू लोअर ऑफ। नहीं लॉजिक क्या मतलब, बस लॉ की प्रोविजन है। अब आपको रिपेयर अलाउंस 1/5 क्यों है तो मैं तो नहीं बता सकता, एफबीआर ईमेल कर दो उसको कि रिपेयर अलाउंस 1/5 क्यों है, मेरा तो 1/4 दिल जाता है। अंदर वाले ने पढ़ा दो, वालेकुम सलाम भाई सीधे होकर बैठो। जी भाई जान हाथ इधर करो, कल वाला सुनाओ, कल वाला पूछ लो, याद किया, चलो ठीक है जी, कल वाला सुना सकते हो, कल वाला सुना सकते हो जो मैंने पढ़ाया था, नदामत के आंसू आ रहे हैं जी, आप बता सकते हो कल वाला, कल क्या पढ़ा था, कल छुट्टी पे थे माशाल्लाह, देख लें लेवल चेक करें भाई आपका, आप बता सकते हो कल क्या पढ़ा था, छुट्टी पे था, देख लें। अब भाई कैसे खुद ही पंगे ले रहे हैं, छुट्टी लेने का मतलब है शेर के हाथ में मुंह में खुद हाथ डालना। लेज किधर गए, चलो करते हैं।
ओके चलें, जब आप सवाल करें अगले सफे पे, क्वेश्चन नंबर टू, अगले सफे पे क्वेश्चन नंबर टू। ये हमने टोटल 7 रूल पढ़ लिए हैं। ओके, पेज 107, क्वेश्चन टू। किताबें नहीं ले रहे हैं यार, खुदा के लिए, इनके पास कोई पुरानी है, मैं कह ही सकता हूं। दो दिन के बाद किताबें चेक होनी शुरू हो जाएंगी, नहीं है या नहीं। जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है, मुझे समझ आ गई है कि उन्होंने नहीं लेनी। नहीं। क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर आसिम इज एम्प्लॉयड इन एक्स वाई जेड कंपनी। काफी सारे सवाल किताब में ऐड हुए हैं। हिज बेसिक सैलरी इज 40,000। कर लें, आप खुद ही करें सवाल। वली भाई कर लिया, हाथ खड़ा कर दे, बढ़ रहा। चलें जी, बेसिक सैलरी बताएं भाई। 40,000। रिजाइन कब किया है? मार्च 31, 11 को। तो 9 महीने, 10 महीने, 9 महीने। एक भाई फोन कॉल कर रहे हैं, जरा मैं वेट करता हूँ, वो कॉल कंप्लीट कर लें, दे रहा हूँ। होगी बात, चलो ठीक है जी। कितने महीने का काम किया इसने? 9 मंथ्स। बोले जी, 3,60,000। एंड रिसीव 4,70,000 फ्रॉम ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय एफपीआर। फ्रॉम ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय एफपीआर। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, तीसरी बात, ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय कितना माफ होगा? 3 लाख। पहले क्या देखें? पहले आपको फीस बताई जाती है या डिस्काउंट बताया जाता है? फीस बताई जाती है। आप डिस्काउंट पहले पूछते हैं, वो मैं नहीं कह रहा। पहले फीस बताई जाती है, डिस्काउंट बताया जाता है? फीस बताई जाती है। पहले मुझे बताएं उसे मिली कितनी, फिर डिस्काउंट देना ना। क्या है ये ग्रेचुटी? कौन सी वाली? एफबीआर की स्कीम वाली। कितनी? 4,70,000 लेस माफ। कितनी? ये 4,70,000 और 3 लाख को मैंने अंदर वाले कॉलम में क्यों डाला है? क्योंकि इनको अंदर वाले कॉलम में डाल के इनमें से एक फिगर निकालनी है, जिसे बाहर वाले कॉलम में डालना है। क्या हो गया? 170,000। आगे क्या मिला जी? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कौन सी वाली? कौन सा वाला रूल? सातवां। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 50% ऑफ कम्यूटेशन या 75,000, विच एवर इज थोड़ा थोड़ा। अच्छा पहले बताएं मिला कितना? 2 लाख। इधर देखें सारे ऊपर, ये इन दोनों का डिफरेंस 2 लाख नहीं है, वो ऊपर बात अलग चल रही है। अच्छा 2 लाख, इसमें से माफ कितना करना है? लोअर ऑफ 50% ऑफ 2 लाख, कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? कमाल हो गई जमाल, या 75,000। इन दोनों में से आपको दिखने में कौन सा लोअर लग रहा है और हकीकत में भी कौन सा लोअर है? 75,000। बाहर क्या जाएगा? 75,000। 75,000 माफ हो गया, 1,25,000 टैक्सेबल हो गया। टोटल करा रहे हैं आप, वट एवर द टोटल में भी। गलती की थी, गलता किया था। क्या गलता किया था? क्या? नहीं,
ओके ये सात बातें कहाँ लिखी हुई हैं, इनको जरा पढ़ लें आप। कम ऑन, पेज नंबर 106। हमने सात बातों की नंबरिंग कर दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड शेल बी एग्जाम, यह कौन सी बात है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, आगे क्या लिखा हुआ है? और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर शेल बी, तो ये कौन सी वाली बात है हमारी? पांचवी और छठी, जो कि इसने किस किस पॉइंट में डाली? बारहवें में। तो ये हमारे वाली पांचवी और छठी बात हो गई। नेक्स्ट, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट या उसके मरने पे उसके वर्षा को पैसे मिले, ग्रेचुटी के या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, असल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ना कम्यूटेशन वाला ऊपर जिक्र हो गया है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मुराद यहां फिर ग्रेचुटी है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मुराद यहां ग्रेचुटी है, तो ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की क्या है? फुली एग्जेम्प्ट। ये कहां हमने पढ़े गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रेचुटी फुली एग्जेम्प्ट है? ये कहां पढ़े? वन में, वन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रेचुटी फुली एग्जेम्प्ट है, ऐसा ही है। तो ये हमने उधर भी वन में पढ़े, इधर 13 के वन में लिखा हुआ। ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख। लेकिन इसमें एक शर्त है, एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख इफ स्कीम इज एप्लीकेबल टू, ये स्कीम ऑल एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए या गिने चुने भालू डियर एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए? तो फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, ये स्कीम कितने एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए? सारे एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए। और ये कौन सी बात है चौथे में जो लिखी हुई है? चौथी और सातवीं, चौथी और सातवीं बनेगी ना, क्योंकि चौथी में अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी आ रही है और सातवीं में बोले अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन आ रही है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसमें ये वाली लाइन आप काट दें। अब रूल पढ़ें, द अमाउंट एग्जेम्प्ट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, 50% ऑफ अमाउंट और ₹75,000। ये किस किस के बारे में रूल है? अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में भी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में भी। चलें जी, बस ये चार पॉइंट्स पढ़ के खत्म करते हैं। अच्छा, ये अगर आप ग्रेचुटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अनअप्रूव्ड वाली को माफ कराना चाहते हैं तो आपको चार शराइत पूरी करना जरूरी है। पहले तो ये एग्जेम्पशन ही बड़ी थोड़ी सी है, ये माफ होना ही इतना थोड़ा है कि बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि 75,000 या 50% अमाउंट, उनमें से भी लोअर माफ है। पहले से एग्जेम्पशन खुद थोड़ी है और उसके बाद ये बड़ी बड़ी क्या लिए हुए अपने साथ? शराइत। वैसे ये एग्जेम्पशन भी अपने साथ शर्त लिए हुए थी, एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। तो अगर आप 75,000 या लोअर ऑफ 50% ऑफ अमाउंट को माफ कराना चाहते हैं तो यू आर सपोज टू फुलफिल दी 4 conditions। वो 4 conditions क्या हैं? वो 4 conditions ये हैं, फिलहाल मैं 3 conditions की बात करने लगा हूं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स मैनेजर रिटायर हो गया, उसका नाम क्या था? रशीद। इसे रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिली? आपने भाईजन को बुला लेने, बुला के पहला सवाल पूछना है, तीन सवाल पूछने हैं आपने, तीन सवाल। पहला सवाल, मोहतराम क्या प्रेसिडेंट हैं? जी जी जी, मेरा स्टे पाकिस्तान में 183 days से ज्यादा है, जिसको अनअप्रूव ग्रेचुटी मिली उससे 3 सवाल पूछने हैं। मोहतरम क्या आपको ये पैसे पाकिस्तान में रिसीव हुए हैं या आपने अपने लंदन के अकाउंट में रिसीव किए थे? जी मुझे ये पाकिस्तान के अकाउंट में रिसीव हुए हैं, मैंने बाहर के मुल्क में ये पैसे नहीं मंगवाए, मुझे पाकिस्तान में रिसीव हुए हैं। तीसरी बात, मोहतरम क्या आपने पहले किसी एम्प्लॉयर से जिंदगी में ग्रेचुटी ली है? तो इसने कहा नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी फ्रॉम, नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी इन पास्ट, पास्ट में मैंने किसी से भी ग्रेचुटी नहीं ली।
अगर आप इन तीन सवालों में पास हो जाते हैं तो आपको अनअप्रूव ग्रेच्युटी माफ हो जाएगी 50,000 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट विच एवर इज लो। नोट कर, ओके पढ़ें जी। तो अगर एक बंदे से तीन सवाल पूछे जाएं कि तुम्हें पैसे पाकिस्तान में मिले, क्या तुम रेजिडेंट हो और पास से तुम्हें ग्रेजुएटी नहीं मिली, तीनों का जवाब वो यस दे दे तो इस टेस्ट में पास है। और पास होने का फायदा क्या होगा कि इसको माफ हो जाएगी ग्रेजुएटी लोअर ऑफ करके। द एग्जेम्पशन ऑन अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी शैल अप्लाई इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन पाकिस्तान, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अ एंड टू ए ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई हु हैज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेजुएटी फ्रॉम सेम, और आपने उस एम्प्लॉयर या किसी और एम्प्लॉयर से पास में ग्रेचुटी नहीं ली। इधर नॉट का लफ्ज लग रहा है, नहीं ली, और इधर इन पाकिस्तान और इधर रेजिडेंट। तो अगर आपको पैसे पाकिस्तान में मिले और आप रेजिडेंट और पास में आपने किसी से ग्रेचुटी नहीं ली, तो अगर ये तीनों शरायत आप पूरी कर दें तो आपको क्या माफ हो जाएगी? अनअप्रूव ग्रेचुटी माफ हो जाएगी लोअर ऑफ करके, लोअर ऑफ करके। अच्छा भाईजान, अब ये सेल्स मैनेजर नहीं है, अब ये डायरेक्टर है। कौन रिटायर हो रहा है? डायरेक्टर। ये रशीद नहीं है, ये रशीदा है। तो अब डायरेक्टर रशीदा बाजी क्या हो रही हैं? रिटायर हो रही हैं। इनसे आपने तीन सवाल नहीं पूछने, इनसे चार सवाल पूछ के इनको पास करना है। पिछले से कितने सवाल पूछ के पास कर दिया था? तीन। इससे कितने सवाल पूछने हैं? चार सवाल पूछ। बाजी आप रेजिडेंट हैं? जी। आपको पैसे पाकिस्तान में मिले हैं? जी। आपने पास में कभी ग्रेजुएटी ली है? नहीं। गुस्सा ना करें, आपसे आखिरी सवाल हमारा कि आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं? जी। आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं? जी। चार सवाल आपके पास हो गए, आप भी तशरीफ ले जाएं। आपको 50% ऑफ अमाउंट या 75,000 विच एवर इज लोअर माफ है। अगला बंदा आए, चलें पहले इसको तो कर लेना। शौक से नोट किया करें दोबारा दोबारा, अब ये पूरा नोट करना पड़ेगा आपको। एम्प्लॉय डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि डायरेक्टर ना दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, और एक वो डायरेक्टर होते हैं जो कभी कभी बोर्ड मीटिंग में आते हैं। तो एम्प्लॉय डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो 8 घंटे ड्यूटी दे। तो डायरेक्टर से चार सवाल है, और डायरेक्टर के अलावा अगर और कोई बंदा नौकरी छोड़ के जा रहा है तो उससे तीन सवाल है। आपको पता है जिनका ओहदा बड़ा होता है उनसे सवाल भी ज्यादा होते हैं। तो डायरेक्टर का ओहदा बड़ा है इसलिए इससे सवाल भी ज्यादा होंगे। ये एम्प्लॉय डायरेक्टर होगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वैसे दूसरे डायरेक्टर्स को आमतौर पर ग्रेच्युटी मिलती भी नहीं है। अभी तो हम पाकिस्तान में वो नौकरी कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई तो करेंगे। ओके, हैव यू नोटेड इट डाउन और नोटेड इट अप ऑन योर मथा? अच्छा जी, डायरेक्टर से कितने सवाल पूछने हैं? और डायरेक्टर के अलावा लोगों के रिटायर हो जाए तो तीन सवाल पूछने हैं। वर यू नोटिंग इट डाउन? दिस इज लाइक एरोप्लेन गॉन, अब अगले एरोप्लेन का वेट करें। अखे, अब किसकी बात होने लगी है? रशीद की, रशीदा बाजी की। द एग्जेम्पशन ऑन एन अप्रूव
ग्रेचुटी जी। पहला सवाल आपसे बाजी ये है, क्या आप पाकिस्तान में हैं? पाकिस्तान में पैसे मिले हैं जी। आप डायरेक्टर हैं तो क्या आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं जी? खैर जो ना यार, क्या आप प्रेसिडेंट हैं जी? क्या आपने पास में कभी ग्रेचुटी ली है? नहीं। तो ये चारों सवालों के जवाब जब यस हो जाए तो इसको क्या खुशखबरी सुनाएं कि आप तशरीफ ले जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन से और आपको जो ग्रेचुटी मिल रही है वो माफ हो जाएगी अप टू लोअर ऑफ 75%। और 75% अमाउंट का ना ले लीजिएगा, 75,000, 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये वाले तो एम्प्लॉयज के लिए है ना, तीन सवाल, और डायरेक्टर्स के लिए कितने सवाल हैं? चार। डायरेक्टर्स के लिए कितने सवाल हैं? चार। और एम्प्लॉयज के लिए कितने सवाल हैं? यानी डायरेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है, कौन सा वाला? पॉइंट बी, अगर आप डायरेक्टर हैं तो एम्प्लॉय डायरेक्टर होने चाहिए। ये जो दूसरे एम्प्लॉयज है ना, ये डायरेक्टर के अलावा वाले एम्प्लॉयज हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर के लिए चार सवाल हैं, डायरेक्टर के अलावा बाकी एम्प्लॉयज के लिए तीन सवाल हैं। अच्छा अगली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए आपने चेहरा शरीफ अपना ऊपर रखना है। ये तीन सवाल जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, ये तीन सवाल हैं अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन के लिए। किसके लिए? अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन के लिए। और ये चार सवाल हैं अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के लिए। मतलब जरा समझिएगा, पहले ए बी सी में आप देख रहे होंगे ना कम्यूटेशन का लफ्ज लिखे ना ग्रेचुटी का लफ्ज लिखा है, लेकिन अगर आप डी में देखें तो सिर्फ किसका लफ्ज लिखा है, यानी अगर किसी बंदे को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिल रही है तो उससे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुमने पास्ट में कहीं से कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ली या नहीं ली। ठीक है जी, डायरेक्टर वाली बात से बाहर निकल आए, अब मैं अगली बात कर रहा हूं जिसका पिछली बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मोहतरम, अनअप्रूव्ड पेंशन से कितने सवाल पूछे जाएंगे? तो, ओ, 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 क्या हो गया, होश के नहीं ले? अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन वाले से कितने सवाल पूछे जाएंगे? तीन, सबज वाले। और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी वाले से कितने सवाल पूछे जाएंगे? तो पता चला चौथा सवाल किसके लिए खास है? अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी वाले के लिए खास है। क्लियर हो गया? इसको पता नहीं आप कैसे नोट करेंगे, कर ले नोट। दूसरी क्लास में किसी ने कहा था ए प्लस बी प्लस सी अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन का रूल है और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी का रूल है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। बहरहाल साथ वाले से ग्रीन बॉल पॉइंट ले लें, आपके पास रेड खुद है, कर ले मैनेज। जिसको ग्रेचुटी मिल रही है कितने सवाल? चार। और जिसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिल रही है अनअप्रूव्ड उससे तीन सवाल। कल तक नोट कर लेंगे। अब आपको यह बात समझ आ गई है या नहीं आ गई, इसके लिए मेरा सवाल आपसे आखिरी। अकरम साहब प्रोडक्शन मैनेजर हैं, भाई जी मेरा सवाल सुन लें, साथ वाला जो लिख रहा है उसे कह रहा हूं। अकरम साहब प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सवाल मेरा सुने। अकरम साहब प्रोडक्शन मैनेजर हैं और इन्हें अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन मिल रही है, इनसे कितने सवाल पूछे जाएंगे? चपेट मारे बंदा भाई, वो डायरेक्टर नहीं है, दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, मस्ताने हो गए हैं। अकरम साहब प्रोडक्शन मैनेजर हैं और वो रिटायर हो गए हैं और उन्हें अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन मिल रही है, तो ए बी सी में से कितने सवाल पूछे जाएंगे? ए और भाईजान आपको पाकिस्तान में मिली है जी, क्या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन? भाईजान आप रेजिडेंट हैं जी, जाए तशरीफ ले जाएं, आप पास हो गए हैं। तो डायरेक्टर है ही नहीं, बदोबदी डायरेक्टर बनाकर डायरेक्टर वाला सवाल उससे पूछेंगे, पागल हैं, दीवाने हैं। ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, नो यू आर फीलिंग इट, यू आर इन स्काइज नाउ। वक्त की कीमत का अंदाजा आपको है? चलें आखिरी 10 मिनट कीमती बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप पास पेपर ना होना तो आपको चैन नहीं आता, पता नहीं क्या मसला है आप में, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है, अगर ये वालदैन ने आप में पैदा कर दी है तो ये तो एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इस पर शुक्र अदा करें कि पास पेपर किए बगैर चैन ना आवे। क्वेश्चन नंबर 10,
पेज नंबर 115। भाईजान पान दान कदरदान पॉइंट टू आपने नहीं पढ़ना क्योंकि अभी हमने प्रोविडेंट फंड को न्यूमेरिकल्स में नहीं किया। बाकी जरा साजिद किसका तिया पांचा कर दें। दो मिनट दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। डन। चलें जी करें। साजिद नहीं होता था, रिटायर हो गया। सूरज केमिकल लिमिटेड में मार्केटिंग मैनेजर था। नहीं अल्लाह उसको जन्नत। रिटायर मींस अभी कंपनी छोड़ी है उसने। इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2019। तो किस साल रिटायर हुआ है? टैक्स ईयर 2020 में रिटायर हुआ है। ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। जाते जाते एम्प्लॉयर ने उसको ये पैसे दिए। तो लीव इन कैशमेंट, लीव पे, पेमेंट इन लियो ऑफ लीव, ये तो टैक्सेबल होगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करके साथ वाले ने हाईलाइट करके दिया, बजट डिस्कस करना था। उत्तरी में तो न्यूमेरिकल कराया था। अच्छा जी, तो ये पैसे क्या होंगे इसके? टैक्सेबल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरी बात मैं नहीं पढ़ा। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी मिली है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी मिली है। तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के लिए चार सवाल हैं। लेकिन एक सवाल मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टर नहीं है, ये मार्केटिंग मैनेजर है। तो इससे कितने सवाल करूंगा? तीन सवाल। पहला सवाल ये करूंगा अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के लिए कि मोहतरम, क्या आपको पैसे पाकिस्तान में मिले हैं? सवाल खामोश है तो पाकिस्तान में ही मिले होंगे। ये बंदा रेजिडेंट है, सवाल खामोश है तो रेजिडेंट ही होगा। क्या इसको पास्ट में कभी ग्रेचुटी मिली है? कहीं नहीं लिखा हुआ सवाल में मिली है, इसका मतलब है नहीं मिली होगी। बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम किया करेंगे शरायत पूरी हो रही है। बाय डिफॉल्ट का मतलब पता है क्या? उसको उर्दू में क्या कहते हैं? यानी आप ऑटोमेटिकली आप एज्यूम किया करेंगे। बाय डिफॉल्ट का मतलब है इम्प्लाइड, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब होगा कि आप एज्यूम किया करेंगे कि सारी शरायत क्या हो रही है? पूरी हो रही है। इसलिए उर्दू में कोई लफ्ज़ है तो हाइब्रिड क्लास वाले माइक पकड़ के बता दें, इम्प्लाइड के लिए, ऑब्वियस के लिए, यकीनन सर्टन, पता नहीं। अच्छा, बहरहाल ये एक मुसल्लम हकीकत होगी कि अगर सवाल खामोश है तो सारी शरायत क्या हो रही है? पूरी हो रही है। तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो पाकिस्तान में पैसे मिले हैं। अगर कहता तो बाहर तो फिर बता देता। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेजिडेंट है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो पास में ग्रेचुटी में है। इसलिए तीनों शरायत बाय डिफॉल्ट पूरी हो रही है। तो इसलिए इस अमाउंट के साथ हम क्या सलूक करेंगे? बस मैंने सॉल्व किया, आपको दिखाना था। अनअप्रूव ग्रेचुटी कितनी है जी? 25 लाख। माफ कितनी हो जाएगी? लोअर ऑफ 75,000 या 50% और 25 लाख। 50% और 25 लाख कितना आ रहा है आजकल? 12,50,000। दोनों में से लोअर दिखने में कौन सा है? 75,000। 75,000 को बाहर लेके जाके कोट लगाएं। अब 25 लाख में से 75,000 माइनस कर दें तो जो भी जवाब आएगा, डेट विल बी योर इनकम टू बी एडेड इन सैलरी। डन? ओके। बाय डिफॉल्ट का मतलब यानी ये है ना कि हमेशा आप एज्यूम करेंगे कि सारी शरायत पूरी हो रही है। आगे चलें। अगला पॉइंट मजे का है। साथ लेके चेहरे की तरफ देखें मुस्कुरा के। इसी तरह दोस्ती बनती है। पहली दफा बैठे हो आपके साथ, देखें मुस्कुरा के। अब आगे चलें। मुस्कुरा तो दिया करें, इसमें भी शर्माते हैं। ही ऑल्सो एक्वायर्ड द व्हीकल। उसने क्या एक्वायर की है? व्हीकल प्रोवाइडेड टू हिम बाय SCL एट अकाउंटिंग WDV ऑफ 5 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल वॉज 2 मिलियन। जी भाईजान, ये गाड़ी ट्रांसफर की है एम्प्लॉयर ने या प्रोवाइड की हुई है? ट्रांसफर की है, प्रोवाइड की हुई है।
ट्रांसफर वाले हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड वाले नजर आ रहे हैं मुझे, ट्रांसफर वाले हाथ खड़ा करें, प्रोवाइड वाले हाथ खड़ा करें, प्रोवाइड वाले, प्रोवाइड वाले, कोई खुदा का खौफ करें, कोई खुदा का खौफ करें। अंग्रेजी की मत मार दी आप लोगों ने, आप तो उसके लफ्जों से धोखा खा गए हैं। प्रोवाइड का लफ्ज पढ़ के धोखा ना खाएं, खुदा के लिए कोई जुल्म कर रहे हैं आप अपने साथ, आपने कितना बड़ा जुल्म कर दिया अपने साथ। मैं दूसरी क्लास में आके आपको ही एक्वायर्ड द व्हीकल, इसका मतलब है ही परचेज्ड, यानी इसका मतलब है एम्प्लॉयर सोल्ड या ट्रांसफर्ड। ही एक्वायर्ड द व्हीकल एट बीवी ऑफ 5 लाख, ही एक्वायर्ड व्हीकल एट 5 लाख। इसका इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है कि उसने पैसे देके व्हीकल खरीद लिया। एट ही एक्वायर्ड एट 5 लाख। अगर मैं आपको कहूं ही एक्वायर्ड कीबोर्ड एट ₹500, तो क्या मतलब है खरीदा? Yes, बिल्कुल। He acquired whiteboard for rupees इतने, क्या मतलब खरीदे? He acquired vehicle at, बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बात फैल गई है, इसको फैलने दें। बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, बल्कि किस वजह से लेने? Amount paid by employee to, अच्छा ये प्रोवाइडेड का लफ्ज इसने इसलिए शायद लिखा हुआ था कि हो सकता है पहले एम्प्लॉयर ने इसको थोड़े अरसे के लिए प्रोवाइड की हो, लेकिन जब ये रिटायर हो रहा था ना, तब एम्प्लॉयर ने कहा यार तू परचेज ही कर ले एट 5 लाख। एट का मतलब असल था, असल जो मेन बात थी वो थी एट, एक्वायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। यू विल एक्वायर एट 5 लाख मींस यू विल पे 5 लाख। और दूसरी बात है वो जो प्रोवाइडेड वाला है ना, उसका डाटा भी नहीं दिया हुआ, गाड़ी की कॉस्ट भी नहीं दी हुई, और ये भी नहीं बताया हुआ कि पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट या ऑफिशियल के लिए यूज हो रही है, उसका तो डाटा भी नहीं दिया हुआ। अगर वो रूल आप लगाना भी चाहें तो उसका डाटा ही नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी बेच दी है। जो बात मैंने येलो में हाईलाइट की है उसे हाईलाइट कर लें, वहां से पता चला एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी बेच दी है। प्रोवाइडेड का लफ्ज बीच में शायद इसलिए आ गया कि एम्प्लॉयर ने पहले उसे प्रोवाइड की हुई थी, अब बेच दी है। मार्केट वैल्यू गाड़ी की कितनी है? 20 लाख, लेकिन एम्प्लॉय ने कितने पे किए हैं? 5 लाख। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का रूल लगेगा कि कितना ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, छोड़ दें, कितना ऐड हो जाएगा? 15 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गाड़ी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, छोटी छोटी क्या करेंगे यार? ये देखें आपके जो है ना, क्या कहते हैं आपके जो सी ए में ना, संडे बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके घर हर महीने 4 संडे आते हैं, आपके घर हर महीने 4 संडे आते हैं। अगर आपने संडों को इंपॉर्टेंस ना दी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आज के बाद रूल बना लें, संडे को प्रोटोकॉल देना है।